तो दोस्तों आज हम बात करते हैं बॉलीवुड की एक और अनरिलीज्ड मूवी जिसका नाम है यार बादशाह। तो दोस्तों अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इस फिल्म में सुनील दत्त, धर्मेंद्र, रेखा और अमजद खान के साथ साथ कहने कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया था। तो दोस्तों इस फिल्म के लिए संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे कुंवर अजीत। तो दोस्तों बात थी 1978 की जब इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया था। तो दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्टर कुंवर अजीत इस फिल्म को एक अच्छी एक्शन मास ड्रामा फिल्म बनाने वाले थे। तो दोस्तों अगर इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में बात किया जाए तो इस फिल्म में धर्मेंद्र और संजय दत्त, जो कि इन दोनों की क्रेज़ मास ऑडियंस में काफ़ी ज़्यादा थी दोस्तों। जहां धर्मेंद्र जो कि एक अच्छे हाई एनर्जेटिक और एक्शन हीरो थे और वहीं सुनील दत्त जो कि एक अच्छे इंटेंस हीरो थे, और ये दो एक्टर्स जो कि एक अच्छे हाई इम्पैक्टफुल हीरोज़ थे जो कि स्क्रीन पर काफ़ी अच्छी तरह से अपने रोल्स को बाखूबी से निभाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस फिल्म में धर्मेंद्र और सुनील दत्त के साथ साथ रेखा जो कि एक अच्छी हाई पोटेंशियल टैलेंटेड और ग्लैमरस एक्ट्रेस है, ये दो एक्टर्स के अपोजिट में रेखा इस फिल्म में पेयर करने वाली थी, और अमजद खान जो कि एक अच्छे हाईली रिलेबल और टैलेंटेड एक्टर हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह के स्टार कॉम्बिनेशन के साथ ये फिल्म एक अच्छी हाईली पोटेंशियल मास एक्शन इंटरटेनर बनने वाली थी, और ये फिल्म एक अच्छी पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर फिल्म देने की भी काबिलियत रखती थी दोस्तों। मगर दोस्तों बदकिस्मती से ये फिल्म जो कि एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी और ये फिल्म जो कि शूटिंग फ्लोर्स तक नहीं पहुंच पाई थी दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये फिल्म कुंवर अजीत के डायरेक्शन में इन आइकॉनिक स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म अगर बनकर रिलीज होती थी तो ये फिल्म एक अच्छी ओवर एंड आउट एक अच्छी मास एक्शन इंटरटेनर बनने वाली थी दोस्तों। तो दोस्तों यार बादशाह फिल्म के बारे में आप सबकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा दोस्तों। अगर ये फिल्म बनकर रिलीज़ होती थी तो ये फिल्म हिट होती, सुपर हिट होती या ब्लॉकबस्टर साबित होती, ज़रूर आप सबके कमेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं VTBC बॉलीवुड फिल्म रिएक्शन सर्विस और टॉक्स, और जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय दोस्तों।